हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ में मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर रही हूं और ये अनबॉक्सिंग हो रही है वैक्यूम क्लीनर की, जिसको मैंने काफ़ी टाइम पहले ले लिया था, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ में इसका अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूं, किस तरीके से आया था, क्या क्या अटैचमेंट्स हैं और एक फ़र्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ वीडियो मैं शेयर कर रही हूं। सो ये जो मेरा मैंने ये लिया है वैक्यूम क्लीनर, ये अमेज़ॉन से परचेस किया है, तो इस तरीके की काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग में डिलीवर किया था अमेज़ॉन ने, तो ये अच्छा था, आप देख ही सकते हैं। इनाल्सा ब्रांड का है ये और इसका मॉडल नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड ये 10 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है और इसके अंदर 1000 वॉट का जो मोटर है वो लगा हुआ है। सो ये जो मॉडल है ये एक्चुअली वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, मतलब वेट क्लीनिंग कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें ब्लोअर का जो फीचर होता है वो भी इसके अंदर मिल जाता है। सो पावर तो मैंने बता दी, 1000 वॉट का है ये एंड इस तरीके से येलो एंड ब्लैक के पैकेजिंग में आता है। तो चलिए इसको खोल करके देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले इसके ऊपर ये जो पाइप है ये आया है, होज पाइप जिसको बोलते हैं, जिससे आपका ब्लोअर वगैरह कनेक्ट होता है। तो इसके साथ काफ़ी सारे अटैचमेंट्स आए थे, मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद मैं इसे ओपन करके देखूँगी, बिकॉज़ मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था तो मुझे सारे अटैचमेंट्स के बारे में मालूम नहीं था, सिर्फ पढ़ा था। और ये बकेट जो है वो 10 लीटर्स की है, तो इसके साथ में व्हील्स दिए हुए हैं तो इसको मूव करना काफ़ी ईजी रहता है। इसके साथ इसमें काफ़ी लंबा वायर भी आया है, तो मैं एक एक चीज़ आपको अभी खोल करके दिखाऊँगी कैसा है। बस इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आई थी, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने पैक करके भेजा था, तो कोई भी चीज़ डैमेज होने का चांस नहीं था। एंड साथ में ये जो प्रोडक्ट, इसकी एक साल की वारंटी मिल जाती है एंड साथ में इसमें एक बुकलेट भी आई थी जिसमें आपको सारी डिटेल्स किस तरीके से यूज़ करना है, क्या है, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस की बात करूं, सो ये करीब अमेज़ॉन का पे मैंने जो परचेस किया था तो मैंने इसको लिया था 4000 या ऐसे कुछ प्राइस में मैंने इसको लिया था, बट इसके एक्चुअल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 9000 का ये मिलता है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन में ये यूनिट है, काफ़ी सही लग रही थी मुझे। इसमें एक ऑन ऑफ का बटन आता है और ये देखिए, ये बुकलेट मैं दिखा रही हूँ, तो इस बुकलेट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है इसको, वो सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर एक कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है, वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है और साथ में मुझे यहाँ पर इसमें 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्री मिली है, या कुछ इसमें मेरे को शायद कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो वो फ्री मुझे मिल जाएगी, इस तरीके से है। तो चलिए मैं एक एक चीज़ खोल करके अब देख रही हूँ। तो ये है व्हील्स, तो ये व्हील्स नीचे आप फिट भी कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो ना भी कर सकते हैं, बट व्हील्स से ये रहता है कि इसको मूव करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से क्लीनिंग के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए ये एक क्लोथ बैग 2 सेट में मिला हुआ है, अगर एक गंदा हो जाता तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नेट का आप देख रहे थे ये वेट क्लीनिंग के लिए है, तो अगर पानी वगैरह का क्लीनिंग है तो आपको वो ये क्लोथ बैग हटा करके वो वाला बैग यूज़ करना पड़ता है। तो ये व्हील्स लगाना बहुत ही ईजी, जस्ट एक आपको पुश करना है अंदर और ये व्हील्स लग जाते हैं, तो इसमें कोई नटवर्ट का यूज करना नहीं है, आराम से ये हो जाएगा। तो ये जो बकेट है ये टोटल 10 लीटर्स की बकेट है। इसके बाद इसके अटैचमेंट्स हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें 3-4 तरीके के हैं। सबसे पहले ये होज पाइप मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये बड़ा वाला जो सेक्शन है वो कनेक्ट होगा बकेट में एंड आगे से ये जो है वो ब्लोअर है, मतलब ब्लोइंग करने के लिए है। उसके अलावा इसमें इस तरीके से 3 अटैचमेंट्स मिल जाते हैं, हैंडल अटैचमेंट्स, तो आप जितना चाहें उतना आप इसको लंबा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर कुछ स्पाइडर वेब वगैरह क्लीन करनी है तो आप इसको फुल 3 अटैचमेंट्स इसके लगा लीजिए। इनके से अगर आप सोफ़ा वगैरह क्लीन कर रहे हैं तो आपको इनमें से किसी भी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल जो हैंडल आता है सिर्फ उतना, और उसमें जो भी अटैचमेंट आप लगाना चाहें तो वो लगा करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी हाइट जो है, हाइट या लेंथ जो भी आप बोलना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 1 अटैचमेंट लगाया, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। तो ये हैंडल का साइज़ तो आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी के अटैचमेंट्स जो इसके साथ मिले हैं। तो इसमें 2 तरीके के अटैचमेंट्स मिले हैं, एक स्मॉल राउंड ब्रश है और एक इसके साथ में कॉर्नर ब्रश भी मिला था। तो ये राउंड ब्रश जो है, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कारपेट वगैरह है आप चाहें तो वो, मतलब कहीं पर भी आपको ब्रश जैसे क्लीनिंग चाहिए तो आप उसमें लगा सकते हैं। और ये कॉर्नर ब्रश तो स्पेशली उन जगहों के लिए जहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं, जैसे खिड़की वगैरह होती हैं, तो उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर जो फ्रेमिंग होती है वहाँ पर आपको अगर क्लीन करना है तो आप ये वाले टूल से टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश की हेल्प से जो भी डर्ट होती है, इधर उधर कहीं फंसी हुई है तो वो निकल जाती है और बाकी का ये सेक्शन एरिया इसमें है तो वो निकल उसकी वजह से
धूल जो है वो अंदर वैक्यूम में चली जाती है। अब ये जो है ये आपका फ्लोर क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, कोई भी इस तरीके की बड़े एरिया को आपको जो क्लीन करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें एक साइड में वाइपर जैसा स्क्वीज़र लगा हुआ और एक साइड में ब्रश लगा हुआ है। तो अगर आप कारपेट क्लीन कर रहे हैं तो इस तरीके से ब्रश को ओपन कर लीजिए, और अगर आप फ्लोर क्लीन कर रहे हैं तो भी आप ब्रश को ऑन खोल के भी कर सकते हैं और बंद करके भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैं जो करती हूँ वो मैं ब्रश को ऑफ करके करती हूँ। तो यहाँ पर एक ये स्विच जैसा दिया हुआ है, इसको ऑन करेंगे तो ये ब्रश खुल जाता है, तो कारपेट बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाता है और काफ़ी बड़ा एरिया ये जल्दी जल्दी से कवर कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये वेट क्लीनिंग के लिए है। तो ये जो है ये ब्रश जैसा है, दिख रहा है बट यहाँ पर ब्रश जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा रबड़ का जैसा बना हुआ है। तो इससे क्या है कि पानी वानी का अगर आपको वैक्यूम करना है, कहीं सुखाना है, कुछ करना है तो वो कर सकते हो। और दोनों ही अटैचमेंट्स में आप देख सकते हैं इस तरीके से 360 डिग्री मूव करने का दिया हुआ है। तो सोफ़ा वगैरह के नीचे अगर आपको कुछ क्लीन करना है तो बहुत ही अच्छे से कॉर्नर्स में भी क्लीन हो जाता है जब मॉपिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने अभी इसको वेट मोड पे तो यूज़ किया नहीं है, लेकिन हाँ अब ड्राई मोड पे मैंने इसे यूज़ कर लिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब ये आ गया इसका हैंडल। तो ये इसमें हैंडल जो है ये नट से टाइट करने पड़ेंगे और इसकी मदद से इसको कैरी करना काफ़ी इजी हो जाता है। और हैंडल के बगल में आपको स्विच दिख रहा होगा ऑन ऑफ बटन का। तो इसमें कोई स्पीड वगैरह नहीं होती है, सिर्फ ऑन या ऑफ होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन सक्शन यूनिट इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अभी फिंगर दिखाई, वहाँ से ये सक्शन बकेट में आएगा, डर्ट वगैरह बकेट में आएगी और ये सक्शन यूनिट है। सो अगर आप ड्राई यूज़ करने वाले हैं तो ये वाला क्लोथ बैग आपको यूज़ करना होता है, और उसके बाद ये एक रिंग जैसी आती है जिससे कि इसको फिट कर दिया जाता है ताकि बैग जो है वो लूज़ ना हो, अदरवाइज़ पूरा बकेट में ही सारा कुछ आ जाएगा और आपका जो फिल्टर है वो चोक हो सकता है। इस वजह से इसको अच्छे से आप फिट कर लीजिए। और अगर आपको यू नो अगर आपको सिर्फ वेट अगर यूज़ करना है तो आपको ये बैग ज़रूर से ध्यान से रिमूव कर लेना है, और उसके लिए जगह पर स्पॉन्ज फिल्टर जो अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वो आपको लगा लेना है। तो आपको पानी वाली जो वेट मॉपिंग करनी है या वेट वैक्यूम क्लीनर को वेट मोड पे यूज़ करना है तो आप उस वाले फिल्टर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं वायर की बात करूँ तो वायर भी इसका काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पर मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ। सो मेरी जो ये टाइल आप देख रहे हैं ये करीब 2 फिट के बराबर है, सो उसी टाइल से मैंने इसको मेजर किया था। तो ये करीब 12-13 फिट के करीब ये आया था मेजर करने के बाद। और उसके बाद आपका ये जो होज पाइप है ये भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, तो आराम से काफ़ी अच्छे से बिना बार बार प्लग इन प्लग आउट किए हुए आप एक हॉल, बड़ा सा हॉल अगर है, मेरा हॉल बहुत बड़ा है और मैं इसे एक प्लग में काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो काफ़ी हैंडी हो गया ये मेरे लिए। और अब मैं आपको उसको एक बार डेमो करके दिखाती हूँ। तो ये जो मेरा सोफ़ा आप देख रहे हैं कि ये साइड जो है राइट साइड जो है वो क्लीन हो चुकी है, लेफ्ट साइड जो है वो गंदी है। तो मैंने पहले यूज़ कर लिया था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। सो ये देखिए आप गंदा और साफ में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसने ये वाली क्लीनिंग तो काफ़ी अच्छे से की, और इसको क्लीन करने के लिए मैंने जो कॉर्नर नहीं राउंड जो ब्रश आया था वो वाला मैंने यूज़ किया था, तो उससे ये काफ़ी अच्छे से हो गया था। और अब मैं इसमें कॉर्नर वाला ब्रश जो है वो भी अटैच करके देख रही हूँ कि किस तरीके से क्लीन होगा। तो सोफ़े के जो नीचे जहाँ पर इसका मैट्रेस होता है सोफ़े का, वहाँ पे अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो वो वाला एरिया काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्रश है ये कॉर्नर्स में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर नॉर्मली आपके बड़े वाले ब्रशेज नहीं जा सकते वहाँ पर ये जा सकता है। सो ये ब्रश के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 फैसिलिटी है, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल सक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सिंपल सक्शन से ये वाला एरिया आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स में तो ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से काम कर ले रहा था और मुझे काफ़ी हैंडी लगा। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट मैं डेली बेसिस पे ही इसको यूज़ कर लेती हूँ, एंड मुझे तो काफ़ी इजी टू यूज़ लगा और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी लगा। तो ये मेरे सोफ़े का कवर है, इस पर मेरी राउंड ब्रश के हेल्प से इसको क्लीन कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा जब आप इसे 2-3 बार यूज़ करते हैं ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिलहाल मेरी प्रैक्टिस हो गई और मैं इसे काफ़ी अच्छे से स्मूथली यूज़ कर लेती हूँ फटाफट, बट ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट डे जब ये अनबॉक्स किया था तब इस तरीके से मैंने इसको क्लीन किया, एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गया विद इन
नो टाइम, बहुत ज़्यादा इसमें क्लीनिंग में टाइम नहीं लगा। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मेरा ये कवर है इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये ब्रश की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर सकती हूँ सिंपल क्लीनिंग से। सो यस, इस तरीके से आप सोफे को क्लीन कर सकते हैं, कारपेट्स को क्लीन कर सकते हैं एंड आप फ्लोर को भी क्लीन कर सकते हैं। बट आपको अप्रोप्रिएट अटैचमेंट्स जो भी इतने मिले हैं आपको कहाँ क्या यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर अगर मैं फ्लोर वाला यूज़ करूँगी तो वो काम नहीं करेगा। अब मैं आपको फ्लोर भी क्लीन करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर धूल वगैरह थोड़ी सी है और ये वाला मैंने फ्लोर क्लीनिंग अटैचमेंट लगा दिया है। तो अब मैं इसको क्लीन करूँगी और आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छे से ये क्लीन कर देता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगी कि अगर मैं इसकी साउंड की बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, ये नॉइज़ फ्री बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते हैं तो आपके पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि आपने वैक्यूम यूज़ किया है। सो उसके साथ आपको बियर करना पड़ेगा, टीवी वगैरह म्यूज़िक वगैरह आप नहीं चला सकते हैं क्योंकि वो आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन उसके अलावा अगर क्लीनिंग की बात करें तो बहुत अच्छे से मेरा ये 30 मिनट्स के अंदर मैं बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन वैक्यूम जब मैं यूज़ करती हूँ डीप क्लीनिंग के लिए, तब मैं इसको आराम से 30 मिनट्स 35 मिनट्स के अंदर पूरा अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, ईजी टू यूज़ है, कोई इसमें झंझट नहीं है। और आप चाहें तो इसे हफ्ते में 2 दिन भी यूज़ करेंगे तो भी आपका घर काफ़ी डस्ट फ्री बना रहेगा। मैं इसे डेली बेसिस पर ही लगभग यूज़ कर लेती हूँ। एक दिन मैं डीप क्लीन करती हूँ पूरे घर में अच्छे से कर लेती हूँ वैक्यूम, और एक दिन मैं सिर्फ मेन एरिया जो रहता है वहाँ पर क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए मैंने खिड़की के नीचे भी कॉर्नर ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर दिया है और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। सो मैं इस पर ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर को तो उसके बाद पोछा करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब वेट मॉपिंग जो आप करते हैं, वो विद इन फ्यू मिनट्स आपकी हो जाती है क्योंकि बिल्कुल भी डस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको एक वाइप करना होता है अपने फ्लोर को। अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो धूल एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पर जाती है, इसलिए जब आप पोछा करते हैं तो पानी भी बहुत गंदा होता है और बहुत टाइम लगता है पोछा करने में। बट इसके साथ में ऐसा नहीं है, आपके फ्लोर पे कोई भी यू नो हेयर्स वगैरह पड़े रहते हैं जो उड़ उड़ के दूसरी जगह पे फंसते हैं जाते हैं। सो वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई है, बहुत ही ईजी क्लीनिंग हो गई है। फटाफट से ये लगाइए और फटाफट से आपका सारी धूल जो है वो एकदम निकल जाएगी और इसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी है, मतलब जो इसका डस्ट बैग है उसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी है। तो चलिए क्लीनिंग तो मेरी सारी हो गई है, थोड़ा थोड़ा मैंने हर एरिया हर अटैचमेंट को यूज़ करके देख लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना कारपेट भी क्लीन कर लिया है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वाकई में इसके अंदर कितनी धूल जो है वो इकट्ठी हुई है। सो इसको अब मैं साइड में इसमें जो दिया हुआ है उसको ओपन करके एंड इस तरीके से क्लीन, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी धूल डर्ट, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये पंख टाइप की जो धूल होती है वो भी इसमें कितने अच्छे से इकट्ठी हो गई है। कोई भी धूल मिट्टी जो भी सब इकट्ठा हो गया है, जब ये झाड़ू से हम क्लीन करते हैं तो ये पंख जैसी जो धूल है वो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाती है, कहीं सोफे पे इधर उधर सब इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है और इसके बाद अगर आप फ्लोर पे पोछा ना भी लगाएं ना तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने पोछा नहीं लगाया है। सो ये पूरा क्लीनिंग प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी और इस डस्ट बैग को जैसे आपने लगाया था वैसे ही सब निकाल करके अच्छे से आप इसे झाड़ दीजिए, क्लीन हो जाएगा। इसको धोना बिल्कुल भी नहीं है और मैं इसको हफ्ते में 1 या 2 बार जब मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदगी हुई है तभी क्लीन करती हूँ, रोज़ नहीं करती। सो यस गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है जो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाई हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जो भी नए रिव्यू वीडियोज़ मैं डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस, तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care।